बैंकिंग सेक्टर को कमजोर करते हैं तो हिंदुस्तान की अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे होते हैं। बैंकिंग की सबसे बड़ा दर्द यह है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें जो कंपेरेटिव सैलरीज हैं दे आर वेरी पुअरली पेड। पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर रखी है जो जिसमें हर तबके का ही नुकसान है, एक खाली बैंक का ही नहीं है। आप बिजनेस क्लास देख लो, मीडियम क्लास देख लो, लोअर क्लास देख लो, बाकी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हीं को ये दे रहे हैं। मैं शेखर कॉरपोरेशन बैंक से हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपनी एम्प्लॉयज यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। बेसिकली एक अचानक से सरकार ने कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग का प्लान तैयार किया। इसको तैयार करने के लिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे मिनिस्ट्री में, जिनको हम वर्कमैन डायरेक्टर कहते थे, अब वो क्या था धीरे धीरे करके वो रिटायर होते जा रहे थे और वो रिटायरमेंट का दौर 2012 से शुरू हो गया था और अब सरकार आई 2014 में। तो सरकार जैसे ही पावर में आई तो उन्होंने क्या किया, जो रिटायर होते गया उसकी जो वैकेंसी अराइज हो रही थी उसकी जगह नया बंदा रिक्रूट नहीं किया। तो इस तरह से क्या था 19 बैंकों में वर्कमैन डायरेक्टर जो हमारी वॉइस थी वो सारे रिटायर हो गए। अब जैसे ही वर्कमैन डायरेक्टर रिटायर हुए तो जो देन फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक विचार लाया और कुछ लोगों ने सलाह दी कि जो बड़े बड़े बैंक बनाओ देश में, देश को बड़े बड़े बैंकों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने ये जो है फॉर्मूला SBI पर आजमाया, तो स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों को उन्होंने मर्ज कर दिया। पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट की तो उससे जो है फ़ायदा क्या हुआ? मैं ये देखता हूँ फ़ायदा नहीं हुआ, उससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कस्टमर्स को जिनके खाते थे, वो जब ब्रांच में जाया करते तो वो ब्रांचें बंद हो गई। जब वो ब्रांचें बंद हो गई तो वो ब्रांचें तो थी नहीं तो अब उनको दूसरी ब्रांचों में जाना पड़ता था। अब उतना जो है दूसरी ब्रांचों में जब वो जा रहे थे लोग तो उतना स्टाफ अवेलेबल नहीं था जो कि उनको प्रॉपर सर्विस दे सके। अब उस लेवल की जो सर्विस उन्हें पहले मिल रही थी ब्रांचों में वो मिलनी बंद हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जनता में एक असंतोष का भाव क्रिएट ही हो रहा है। काफ़ी लोग स्टेट बैंक से परेशान थे, उसी बीच में एक नया मर्जर आ गया, विजया बैंक देना बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। अब क्या हुआ, इस विजया बैंक देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा आया, इसको हुए ही 6 महीने नहीं हुए थे, सरकार ने 10 बैंकों का मर्जर और अनाउंस कर दिया। अब इससे हो क्या रहा है, बेसिक बात करता हूँ मैं आज बैंकिंग की। सबसे बड़ा दर्द यह है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें जो कंपेरेटिव सैलरीज हैं दे आर वेरी पुअरली पेड। रिक्रूटमेंट का इवन जो आप जैसे युवा जॉब है उनको भी जॉब नहीं मिलेगा जब ब्रांचेज बंद होगी। तो रिक्रूटमेंट अभी पिछले 2013 से शुरू हो रखी है बैंकों में, तो वो दोबारा फिर बंद होने के कगार पे रिक्रूटमेंट आ जाएगी। देखिएगा ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट प्रहार है, क्योंकि अभी पीछे की यदि अब हिस्ट्री आप देखिएगा कि जिस टाइम पर कंसोलिडेशन हुआ स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो उनके जो एसोसिएट बैंक थे उनका जब कंसोलिडेशन हुआ तो उस टाइम पर ये एक विचार सरकार की तरफ से आया था कि कोई भी ब्रांच को हम क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में 6,950 ब्रांचेज जो कि रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं अपने गूगल पे जा कर के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांचेज को बंद किया। और उसके बाद में सिर्फ ब्रांचेज को बंद ही नहीं किया, उसके बाद में जो स्टाफ था उसको कहाँ नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, और इस तरीके से ना उसको इनकन्वीनियंट जो पोस्टिंग है वो दी गई। और इसके बाद में लोगों को VRS भी दिया गया, एक पहले कहा गया कि VRS दे रहे हैं लेकिन उसके बाद में उस बैंक से CRS दिया गया। और उसके बाद में जो सेकंड इन्होंने कंसोलिडेशन के नाम पर जो किया सरकार ने, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया गया। तो सेम हिस्ट्री वो अभी भी रिपीट की हुई है, कंसोलिडेशन कर दिया लेकिन आज भी आप जाके देखिएगा कि जो बोर्ड है वही लगे हुए हैं, कोई कंसोलिडेशन नहीं मानते हम उसको। और उसके बाद में भी इनकी जो अभी क्लॉज है कि 950 के आसपास करीब 1000 ब्रांचेज वो क्लोज करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ की कहाँ श्योरिटी है कि जो आज 10 बैंकों को मिला करके 4 बैंक बनाए गए हैं तो उसके अंदर क्या गारंटी है कि इसको नहीं किया जाएगा? निर्मला सीतारमण ने जरूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम जो है इसको बंद नहीं करेंगे, किसी एम्प्लॉय के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। जहां सरकार की हम नीति का यहां पर विरोध करने के लिए यहां खड़े हुए हैं, जहां सरकार बोलती है कि एक तरफ तो जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो
नए नए लाइसेंस दे रही है, और वहाँ दूसरी तरफ जो हमारे नेशनलाइज बैंक है उसको उसका कंसोलिडेशन किया जा रहा है। और उसके बाद में क्या है, सरकार की नीति है कि हम जो अपना अपनी जो इक्विटी है, हम जो अपना शेयर है उसको 51% से कम लेके आएंगे। तो क्लियर कट ये बिल्कुल अंदेशा है कि जो सरकार का आगे का जो कदम है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, जहां पर इन्होंने आज सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं और भी सेक्टर्स के अंदर जो सरकार का जो है वो बढ़ती जा रही है कि हमें प्राइवेटाइज करना है।